सियासत में हर एक अल्फाज, हर एक हर्फ और हर एक कदम के मायने होते हैं। कई बार सियासत की बिसात कुछ इस तरह से बिछाई जाती है कि एजेंडा सामने आए बिना ही विरोधी खेमे की बेचैनी बढ़ जाती है। मोदी सरकार के विशेष सत्र वाले ऐलान ने इसी तरह से विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है। चर्चा तेज है, आखिर सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, आखिर विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है, ये रिपोर्ट। संसद का सत्र क्यों बुलाया गया, सरकार का एजेंडा क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का प्लान क्या है, क्या कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जो देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला है। मोदी सरकार के विशेष सत्र वाले फैसले ने सियासत में नए सिरे से तपिश पैदा कर दी है। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। सरकार ने तय करा है कि एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए तो सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले कई बार हुआ है जब कांग्रेस भी शासन में थी। मोदी सरकार के फैसले ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं मोदी सरकार का प्लान वन नेशन वन इलेक्शन का तो नहीं है, या फिर मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव के बारे में तो नहीं सोच रही। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिक शगुफा है, केंद्र सरकार ये बात जानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारियां उनके पास नहीं है, राज्यों के अंदर मेजॉरिटी चाहिए, बड़ा प्रोसीजर है, नहीं हो सकता, 5 दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ऐतिहासिक तौर पे 28 बड़े दल एक साथ आए हैं और आज तीसरी बार वो दल साथ बैठ के आगे का एजेंडा बना रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी इस खबर से काफ़ी ज़्यादा भयभीत है। आशंकाओं का बाजार गर्म है क्योंकि विशेष सत्र का एजेंडा साफ नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन की है क्योंकि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि विशेष सत्र के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक सदन के पटल पर रख दे। दूसरा, विशेष सत्र से पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के बरक्स वन नेशन वन एजुकेशन का एजेंडा खड़ा कर दिया है। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन, बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला, आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। अब सवाल है कि क्या वाकई सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल लाने वाली है, क्या सरकार समय से पहले चुनाव की तैयारी कर रही है, या फिर संसद में महिला आरक्षण से जोड़ा बिल पेश हो सकता है, क्या मणिपुर और कश्मीर को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। संसद के विशेष सत्र को लेकर कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन एक तर्क पर सभी मुतमईन नजर आते हैं, ये तर्क है कि मोदी सरकार कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। विशेष सत्र पहले भी बुलाए जाते रहे और जब कोई आवश्यक कार्य होता है, कोई विधायी कार्य निपटाने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक सत्र बुलाए जाते हैं, तो कोई कोई आवश्यक विधायी कार्य होंगे उनको संपन्न करने के लिए ये विशेष सत्र है, तो विपक्ष को इनका स्वागत करना चाहिए। यानी तैयारी बड़ी है और कहीं ना कहीं इसके तार आने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़े हैं। अब समझिए वो कौन सी संभावनाएं हैं जो संसद में सरप्राइज के रूप में नजर आ सकती हैं। विशेष सत्र का मणिपुर कनेक्शन। मणिपुर लंबे वक्त से हिंसा की आग में जल रहा है, कुकी और मैतेई समाज के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार अलग कुकी लैंड बनाने पर विचार कर सकती है। कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा।
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सरकार से सवाल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुमकिन है कि सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले ले। महिला आरक्षण बिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल जातीय जनगणना का मुद्दा उछाल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुद्दे की काट के रूप में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। इसके अलावा समय से पहले चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में विपक्ष सरकार से एजेंडा बताने की मांग कर रहा है। माथे पे चुनाव आ गया, घबराहट है, ब्लाक चीजों को मत टालने की कोशिश करिए। देश की लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है, संविधान के साथ खिलवाड़ देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कई लोचे हैं बता दो जिनके चुनाव अभी 6 महीने पहले हुए, 3 महीने पहले चुनाव हुए, 1 साल चुनाव हुए राज्यों के पहले। अरे वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है आई वांट फुल्ली फेयर इलेक्शन, साफ सुथरा चुनाव। बिल्कुल, देश के अंदर में साफ सुथरे चुनाव होने चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो विशेष सत्र की घोषणा विपक्ष के लिए बड़ा सरप्राइज है और दूसरा सितंबर के महीने में मोदी सरकार देश को कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।